तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं बैटल स्टार, और आज हम लोगों का एक न्यू कैरेक्टर अनलॉक हुआ है इस गेम में, जिसका नाम है पाटिल। और भाई इस कैरेक्टर को आप लोग देख ही सकते हो, फुल ऊपर से नीचे पुलिस के ड्रेस में, और इसका हाथ तो भाई इसके मुँह से भी बड़े हैं। हाथों को तो देख के लग रहा है कि एक पंच में ही एक बंदे को डाउन कर देगा। पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक इस कैरेक्टर को लेकर कोई भी मैच खेला नहीं है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके एक मैच स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और एक मैच में टोटल दो टीम होती है, और एक टीम के अंदर टोटल चार बंदे होते हैं, और जिस टीम का 200 स्कोर पहले हो जाता है वो टीम जीत जाती है। बस यही है। अभी हम लोग चलते हैं आगे की साइड में, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग चलते हैं ऊपर से। हम लोगों को एक एबिलिटी मिल चुकी है अपने हेल्थ को इंक्रीज़ करने की, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। और अभी हम लोग चलते हैं, सामने एक बंदा आ चुका है, और पहले हम लोगों को थोड़ा इसके पास जाना होगा इसको पंच मारने के लिए। और भाई इसके पास ट्विक गन है, ये तो एकदम अच्छे से बजाया जा रही है, और मैंने इसको मार के यहाँ पे डाउन कर दिया है। और सामने एक और बंदा है जो भाई अपने गन से मुझे थोड़ा मार रहा है, मुझे थोड़ा क्लोज जाना पड़ रहा है इस कैरेक्टर से उसको मारने के लिए। बट चलो, इसको भी मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है। अब भाई मेरी हेल्थ गई, इस मैच में मैं एक बार डाउन हो चुका हूँ, और अपने पास टोटल 5 चांस है, जिसमें से मेरे पास अब बस 4 चांस बचे हैं रिस्पॉन होने के। और एक मैच में हर एक बंदे के पास टोटल 5 चांस होते हैं कि वो रिस्पॉन हो सकता है, और उसके पास पाँचों के पाँचों चांस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई वो मैच से हार जाएगा, मैं मतलब निकाल दिया जाएगा। और भाई यहाँ पर आते ही बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो चुकी है भाई आस पास। यहाँ पे मेरा एक और लाइफ ख़त्म हो चुका है, और इसी बंदे ने मुझे फिर से मारा है जिस बंदे ने मुझे पहले मारा था। अब भाई वो तो बचने वाला नहीं है, उसका नाम है 1 2 3 4 5, पता नहीं कैसा नाम है। बट अभी हम लोग चलते हैं आगे की साइड में, और उस बंदे को तो भाई सबसे पहले डाउन करेंगे। ओके, वो कहाँ है? नीचे के साइड में तो अपना ही टीम मेट है, तो इसको तो छोड़ो। ओके, वन में ये आ गया, इसको पहले बजाते हैं इसका अच्छे से पंच, मतलब पंच अच्छे से बजाते हैं इसके ऊपर। और भाई ये क्या है यार, मेरे पास बस 2 लाइफ्स और बची हैं, उसके बाद मैं ये मैच हार जाऊंगा। और अभी हम लोगों की टीम की स्कोर जो है सामने वाली टीम से कम है। ओके, अभी तो बराबर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इसको बजाते हैं। भाई मुझे क्यों लग रहा है नीचे फंस गया है क्या? रुक के अच्छे से बजाते हैं। फंसा नहीं था भाई, वो छुपा हुआ था और वो मुझे ही देख रहा था। ओके, इस बंदे को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, सामने रिस्पॉन होकर भी आ रहा है। भाई मेरी हेल्थ गई, मैं गया। ओके भाई साहब, यहाँ पे मेरे पास बस 1 लाइफ्स और बची हैं, उसके बाद मैं ये जो मैच है वो हार जाऊँगा। ये तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो अच्छे से खेलना होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा बच बच के और अपने आप को हील करते हुए खेलेंगे। ओके, नीचे एक साइड में बनता है, और ऊपर के साइड में एक बनता है। भाई ऊपर के साइड में पूरी टीम आ चुकी है यार। ओके, पहले मैंने इस बंदे को डाउन कर दिया, और यहाँ पे ये बड़ा हो चुका है, तो इसको बच के हम लोगों को मारना होगा। मेरे पास हेल्थ है थोड़ी बहुत। ओके, यहाँ पे जो टाइम अप हो चुका है, और सामने वाली जो टीम है वो जीत चुकी है, और सामने वाली टीम की जो स्कोर थी वो हम लोगों से बस 10 स्कोर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो जीत गया। पर कोई बात नहीं, हम लोग एक और मैच खेलेंगे। और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग पाटिल को हटा देते हैं, और अपने पुराने कैरेक्टर जैक को ही ले लेते हैं, और इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देता हूँ मैं। बट अपग्रेड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए होगा जैक को अपग्रेड करने के लिए उसके कार्ड्स, बट अभी तक मेरे पास कोई भी कार्ड्स है नहीं। तो अभी काम करते हैं, दूसरा मैच स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो है दूसरा मैच भी स्टार्ट हो चुका है। भाई इस मैच में तो हम लोगों को जीतना है ज़रूर, और अभी यहाँ पे लिख क्या रहा है कि 200 स्कोर जो पहले बनाएगा वो जीत जाएगा, और टाइम अप्स होने के पहले। और यहाँ पे भाई ये सब खड़े क्यों हैं, जल्दी से चलना नहीं आगे? और इस बार मैं जैक लिया हूँ, क्योंकि इसकी जो रेंज है फायरिंग की वो ज़्यादा है पाटिल से। और भाई सामने से पूरी टीम आ चुकी है, और भाई एक सब के अनुसार बंदे को डाउन करते हैं। मैं थोड़ा दूर से ही फायरिंग करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है इस कैरेक्टर में। और यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे मेरे पास आ चुका है एक एबिलिटी, जिससे मैं बड़ा हो सकता हूँ। मैं मतलब हाँ बड़ा हो सकता हूँ, मेरी हेल्थ भी बढ़ जाएगी। और भाई सामने के साइड में मैं बड़ा तब होगा जब मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया। भाई ये तो नहीं बचने वाला, ये पाटिल भाई बहुत परेशान कर रहा है। वन मिनट, इसका पीछा कर करके इसको पहले डाउन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे,
और यहाँ पे भाई मेरी हेल्थ हो गई थी 2400, अब यहाँ पे कम हो चुकी है, बट अब हो गई है 2100 कुछ हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे के साइड से एक बंदा आ रहा है, इसकी हेल्थ ज़्यादा है नहीं, हम लोग इसको डाउन कर सकते हैं आराम से। और इस मैच में हम लोगों की टीम की जो स्कोर है वो ज़्यादा चल रहा है सामने वाले टीम से, भाई इस बार जीतेंगे जरूर। ओके भाई मैं आ चुका, हम लोग आ चुके हैं सामने वाली टीम के एरिया में जहाँ पर वो सब रिस्पॉन होते हैं। अभी हम लोग इसके रिस्पॉन एरिया में घुस के इन सबको मार रहे हैं बहुत तगड़ी तरह। और भाई यहाँ पे एक दिक्कत हो गया, सामने वाली टीम के एक बंदे को बड़े होने की एबिलिटी मिल चुकी है जिससे वो बड़ा हो चुका है, और मेरे पास अभी टोटल 4 लाइफ्स और बचे हैं क्योंकि मैं एक बार आउट हो चुका हूँ अभी। तो हम लोग आगे देखते हैं, भाई ये तो हम ही लोग के बेस पर घुस रहा है सीधे। एक काम करो मैं पीछे हो गया उस पर बजाते हैं, और यहाँ पे अपनी पूरी टीम आ चुकी है, ये तो बचने वाला है नहीं। ओके यहाँ पे ये हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे। मैं सोचता हूँ कि हम सबसे बेस पे जाएँ, या बेस पे जाते नहीं हैं हम लोग, यहीं पे फाइट करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे एक दिक्कत हो चुका है कि हम लोगों की टीम की स्कोर सामने वाली टीम के स्कोर से कम है, और भाई यहाँ पर टाइम भी अप हो गया है, मतलब टाइम ख़त्म हो चुका है और हम लोग की टीम फिर से हार चुकी है। ओके सामने वाली टीम फिर से 10 स्कोर से जीत गई है, और यहाँ पे हम लोग ने 2 मैच खेला और दोनों हार गए, कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग।